गुजरात से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ये खबर सुनते ही पूरे प्रदेश में जैसे शोक छा गया है। आखिर किसी अपने को खोने का दुख का कोई तोल मोल नहीं होता है। दरअसल गुजरात के वडोदरा की हडरी झील में एक नाव पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 शिक्षक और 12 छात्र शामिल हैं। जी हाँ, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त नाव पर 27 छात्रों के साथ 4 शिक्षकों की मौजूदगी थी। घटना के बाद गोताखोर और दमकल कर्मी बचाव कार्य में लगाए गए। वडोदरा के पानी गेट स्थित न्यू सनराइज स्कूल के छात्र शिक्षकों के साथ पिकनिक पर गए थे। नाव पलटने की इस घटना में सामने आया है कि छात्रों को लाइफ जैकेट नहीं पहनाया गया था। नाव में आपात स्थिति से निपटने के दूसरे इंतजाम भी नहीं थे। वडोदरा के कलेक्टर एबी गौर ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। ड्राउनिंग का कितने लोग अभी कितने लोग हैं और कितने लोग 27 बच्चे थे। वी आर ट्राइंग जो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से, आप चिंता मत करिए। चलिए ठीक है। तो वही वडोदरा नगर की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मिस्त्री ने कहा कि अभी पूरा ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। जांच में सामने आया है कि बोट की कुल क्षमता 16 लोगों की ही थी, लेकिन इसमें ज्यादा छात्रों और शिक्षकों को बैठाया गया। वहीं इस हादसे पर वडोदरा के उप अग्निशमन अधिकारी जयदीप गढ़वी ने बीते रात मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। शाम को 4 बजे हमको कॉल मिला था वडोदरा फायर सर्विस को कि एक बोट मोटना तालाब में जो पलट चुकी है, उसमें जब फायर सर्विस ने टर्नआउट लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, 20 लोगों को हमने बाहर निकाला था, उनमें से कुछ सेफ थे और जो मृत्यु आंक आ रहा है वो 14 लोगों जो डेथ हो चुके थे, उसमें थे 2 टीचर्स भी थे। अभी रात को कोई हम मृत्यु आंक इधर अभी नहीं है, ऐसा हमको रिपोर्ट मिल चुका है, लेकिन फिर भी वडोदरा फायर सर्विस की 2 टीम अभी हमने रात को यहाँ पर स्टैंड बाय रखी है और कल सुबह जरूरत पड़ने पर वो भी स्टैंड बाय रहेगी। एनडीआरएफ की क्या टीम बुलाई गई है और कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? जी, जब हमको कॉल मिला था तुरंत ही हमने वडोदरा फायर सर्विस की 8 टीम जो रेस्क्यू की थी वो यहाँ पर हम कामने लगाई थी, लेकिन अभी कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर, तो उसकी वजह से दूसरी टीम को हमने रिलीव कर दिया है और 2 टीम यहाँ पर स्टैंड बाय है। ये जो अभी हम पीछे देख रहे हैं जांच चल रही है, कई अधिकारी लोग जो बोट पे चारों पे जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अंडर वाटर कैमरा से जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है या कुछ बच्चों के कुछ सामान है जो आइडेंटिफिकेशन हो सके उसकी अभी जांच चल रही है, बाकी कुछ अभी सर्च ऑपरेशन मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। कितनी देर तक ये सब चलता रहेगा और कब रिपोर्ट देनी है? जी, कल सुबह तक हम 10 बजे तक ये सब सिलसिला शुरू रखेंगे और 10 बजे हम फाइनली मिसिंग रिपोर्ट कोई भी नहीं है वो देंगे। अभी यहाँ पर जो अपने फायर ऑफिसर जो है वो, जैसे आप फायर ऑफिसर आप यहाँ पर अपने अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा, क्या कुछ मिल पाया है फाइनल? जी, पूरा सर्च ऑपरेशन हो जाने के बाद अंडर वाटर कैमरा की मदद से हम लोग देखते हैं, कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ जो शाम को दिक्कत हुई थी कि एक नाम के 2 बच्चे थे तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है अंदर हो, तो उसकी वजह से अंडर वाटर सर्विलेंस कैमरा से हम लोग पूरी लास्ट में एक सर्च ऑपरेशन करते हैं पानी में, वो अभी चल रहा है। सर, ये पानी कितना गहरा है और ये जो तालाब है वो कितने किलोमीटर के दायरे में? जी, पानी बोल सकते हैं स्टार्टिंग 8 फीट से चल रहा था, लेकिन बीच में एकदम ही 22 फीट का गड्ढा है, तो उसके 8 फीट और 22 फीट के बीच में ये बोट जो पलटी थी तो कुछ बच्चे बहुत गहरे पानी में। वहीं इस हादसे पर वडोदरा पुलिस बीते रात ही सामने आई और मीडिया से जानकारी साझा की। हरनी पुलिस स्टेशन विस्तार में मोटना तालाब है, वहां पे बच्चों को लेके बोट वो सवारी में वो बोट डूब जाने से 14 जना की डेथ हुई है, जिसमें सबका यहां अभी पीएम की कार्रवाई चल रही है और पुलिस की ओर से उसमें 304 और इस तरह का गंभीर प्रकार का गुनाह दाखिल हो रहा है। टोटल 14th डेथ हुई है जी, 14th बॉडी, 6 का पीएम हो चुका है, बाकी का पीएम अभी चल रहा है। वडोदरा की हरणी झील में नाव पलटने की घटना पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दुख व्यक्त किया और साथ ही साथ इस घटना के पीड़ितों से मिलने भी पहुंचे। वहीं गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बता दें हर्ष संघवी वडोदरा के प्रभारी मंत्री भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस दर्दनाक हादसे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने निशाना साधा है। गोहिल ने कहा कि ये दुखद प्रशासन की लापरवाही के चलते हुआ है। गोहिल ने कहा कि वडोदरा नगर निगम इस घटना के लिए जिम्मेदार है।
साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट करके इस हादसे में गई जानों के लिए प्रार्थना की है, उनके परिवार जनों को हिम्मत से काम करने की सलाह दी है, वहीं इस हादसे के पीड़ितों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। हरणी झील में नाव पलटने की घटना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। कलेक्टर एबी गौर और पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जांच में वडोदरा नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। इस झील में बोट का संचालन नगर निगम की देखरेख में होता है। ऐसा माना जा रहा है कि नाव पर क्षमता से अधिक छात्रों और शिक्षकों की मौजूदगी के चलते ये हादसा हुआ है। घटना के बाद रेस्क्यू किए गए छात्रों और शिक्षकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।